किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेय व कुरु, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या आपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक के गणमुख्य। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ आचार्य, पर यदि समस्त गणराज्य ने सम्मिलित रूप से प्रयास भी किया तो उनका सामूहिक नेतृत्व कौन करेगा? गणराज्य पहले एकत्र तो हो। नेतृत्व का प्रश्न महत्व का है आचार्य, युद्ध व उत्सर्ग के लिए प्रत्येक गण तत्पर है, पर कटों को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कट सौंदर्य में नहीं शक्ति में भी श्रेष्ठ है। मैं प्रार्थना और प्रयास कर सकता हूँ, निर्णय तो आपको ही करना है।